News 18, India. उधर ब्रेकिंग न्यूज है चंडीगढ़ से। वहां किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में किसानों की तरफ से 14 नेता शामिल हैं, जबकि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच दो बार बैठक हो चुकी है, दोनों ही बैठक बेनतीजा रही। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरे दौर की इस बैठक में किसान और केंद्र सरकार के बीच बात बन सकती है। चमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से क्या खबर आ रही है वहां से? जी किशोर, देखिए जो किसानों के साथ जो आज केंद्र सरकार की जो मीटिंग होनी थी वो 5 बजे का समय तय किया था, लेकिन जो मीटिंग है वो अभी कुछ देर पहले ही, लगभग आधे घंटा पहले ही शुरू हुई है। और इस वक्त जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और केंद्र से आए हुए तीनों मंत्री जो है किसानों के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। और जो किसान जो दिल्ली कूच को लेकर जो किसानों का आह्वान था उस पर जो है अभी फिलहाल जो है जो सहमति जो है किसानों की तरफ से जो है वो केंद्र सरकार को बताई जा रही है कि इस मामले का जो हल है वो निकाला जाए। और केंद्र के मंत्री भी जो है इस जो किसानों के जो आंदोलन जो दिल्ली कूच आंदोलन का आह्वान किसानों की तरफ से किया था उसका जो समाधान है उसके लिए जो है अभी फिलहाल जो है बैठक जो है जारी है। शुक्रिया जमान आपका। उधर किसान आंदोलन के तीसरे दिन पंजाब के अलग अलग शहरों में ट्रेन रोककर किसानों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। ट्रेन रोकने के लिए बड़ी संख्या में किसान पटरियों पर बैठ गए। किसान संगठनों ने ट्रेन रोकने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और इसी बात से नाराज होकर बड़ी संख्या में किसान ट्रेन रोकने के लिए पटरियों पर बैठ गए, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस के बनाए अभेद्य टीले में सेंध नहीं लगा पाए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के साथ ही उन पर आंसू गैस के गोलों की बरसात कर दी। इसी वजह से किसानों ने आंदोलन के तीसरे दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोककर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पंजाब के पटियाला से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें राजपुरा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में किसान झंडे लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। इसी तरह बठिंडा में भी किसान हाथों में झंडे लेकर पटरियों पर डेरा जमाए दिखाई दिए। पटरियों पर किसानों के बैठे होने की वजह से 4 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही और इससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनों को रोकने के अलावा किसानों ने पंजाब के कई टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया। पंजाब के लुधियाना से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा के आगे दरी बिछाकर धरने पर बैठे दिखाई दिए।